चंद जी आप तहसीलदार में कैसे आना हुआ? जी मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता नानचंद शर्मा जी। मैंने आज तहसील दिवस में एक शिकायत की है, इस परिप्रेक्ष्य में आज अमर उजाला में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जी। जिसमें श्रीमान सीडीओ ने उप जिलाधिकारी माध्यम से समस्त लेखपालों से रिपोर्ट मांगी है कि उनके क्षेत्र में कहां पर ग्राम समाज जमीनों पर कब्जा है। अच्छा। मैंने श्रीमानी उप जिलाधिकारी नवाबगंज से अनुरोध किया है कि समस्त लेखपालों को से जो भी रिपोर्ट है, जो भी आख्या है, सत्यता के आधार पर कितने कब्जे किए हैं और किस डाटा संख्या पे किए हैं, उनकी रिपोर्ट सत्यता के आधार पर सीडीओ श्रीमान जी सत्येंद्र पाल जी को भेजना सुनिश्चित करें। साथ साथ में मैंने एसडीएम साहब से भी आग्रह किया है कि आए दिन अवैध कब्जेदारों कार्रवाई न होने के कारण अवैध कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैंने तहसील सभागार दिवस एवं मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी ये शिकायत दर्ज कराई। अच्छा 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 अच्छा, फिर क्या आश्वासन दिया है आपको? माननीय एसडीएम साहब ने कहा है कि हम इसमें संबंधित लेखपाल साहब द्वारा तहसीलदार माध्यम से जांच कराकर सही रिपोर्ट सीडीओ साहब को भेजना सुनिश्चित है। अगर ये जांच पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाती तो इसके बारे में आगे भी आप, अगर ये आपकी भूमि अवैध कब्जों को लेकर जांच अगर अभी ये नहीं हो पा रही पूर्ण तरीके से या इस पे अगर कोई सुनवाई नहीं हुई फिर आप आगे क्या करेंगे? कोई बात नहीं, इसके लिए आ जाइए। सीडीओ साहब ने खुद कहा है अमर उजाला में जी, अगर रिपोर्ट गलत पाई गई तो रिपोर्ट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मुझे तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन से अगर न्याय नहीं मिला तो बहुत जल्दी मैं उच्च न्यायालय में एक रिट दायर करूंगा। ठीक है।